हेलो जी, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं संगीता आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं डायरेक्ट पोछे से शुरुआत कर रही हूँ और ये पोछा मैं दोपहर में लगा रही हूँ। घड़ी में आपको दिख रहा है 2 बजने वाली हैं, तो मैं इस टाइम पोछा लगा रही हूँ क्योंकि धूल बहुत उड़ती है। कैमरे में आपको दिख रही होगी, इसलिए मैंने आज सोचा कि दिन में दोपहर में लगा देती हूँ, फिर शाम तक पता ही नहीं चलता कि पोछा लगाया भी था या नहीं। इसलिए मैंने सब सुबह झाड़ू लगा दी थी और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। तो बस मेरा पोछा लगने वाला है और इसके बाद मैं छत पे जाऊँगी कपड़े डालने, क्योंकि कपड़े धो चुकी थी मैं, उन्हें रख दिया था और पहले पोछा लगा दिया। तो चलिए छत पर चलते हैं। देखिए मैं कपड़े डाल रही हूँ और ये जो पुराने कपड़े डले हुए थे इन्हें मैं निकाल के नीचे ले जाऊँगी। मैं बाहर नहीं डालती हूँ क्योंकि धूप इतनी तेज़ है, कलर जल जाता है कपड़ों का। तो मैं यहीं डाल देती हूँ, जिस टाइम मतलब कपड़े डालती हूँ उस टाइम निकाल लेती हूँ, फिर दूसरे कपड़े डाल देती हूँ। मैं इसी तरीके से, थोड़े चद्दर डले हुए हैं ऊपर छत पर तो मैं यहीं डाल देती हूँ। थोड़ा आटा सामान रखा हुआ है फालतू, बस इसी जगह में मैं कपड़े डाल दूँगी। नीचे आ गई हूँ और मैंने आज सुबह खाने में क्या बनाया था, आज मैंने खीर बनाई थी। और ये तपेली में जो दिख रहा है, मैंने मक्खन, जो मलाई से मक्खन निकाला था, उसे गरम कर रही हूँ और सब्जी आपसे शेयर करूँगी। तो तपेली में जो वो बन रहा है वो खीर बन रही है। तो मैंने तेल गरम रखा, उसमें फिर राई डाली है। राई जैसे ही तड़कने लगेगी फिर जीरा, अजवाइन, जो भी बेसिक मसाले होते हैं। आज थोड़ा सा कैमरा धुंधला दिख रहा है, कुछ साफ़ नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों। फिर मैंने जो लहसुन, प्याज, मिर्ची वो सब थे वो डाल दिए। आज मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी रसीली। और ये जो तपेली में हो रही है ये खीर है, तो ये सब्जी बनाऊंगी। प्याज मिर्ची थोड़े से भुनने देंगे, फिर इसके बाद मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाला है। प्याज को अच्छे से कलर बदल जाएगा तब तक भूनेंगे। इसके बाद फिर मैं इसमें लाल मिर्ची डालूँगी। लाल मिर्ची को भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से सिकने देंगे। फिर उसके बाद मसाला भूनने के बाद फिर मैं उसमें टमाटर डालूँगी। मसाला भुन चुका था, अब मैंने इसमें जो टमाटर काटे हुए थे वो टमाटर डाल दिए हैं। अब टमाटरों को तेल के साथ अच्छे से पकने देंगे, बिल्कुल मैश हो जाएंगे टमाटर। फिर उसके बाद मैं आलू डालूँगी। अभी तो इन्हें अच्छे से भून लेंगे। और थोड़ा सा नमक डाल दो तो बघार में, तो जल्दी से टमाटर गल जाता है। ये जो आलू उबले हुए हैं इनके छिलके निकालूंगी। और बघार तब तक हो रहा है, पूरा बघार तेल छोड़ देगा तब तक इसे पकने देंगे अच्छे से। और अब मैं इनके छिलके निकाल चुकी हूँ। अब इसे हाथ से इस तरीके से 2 टुकड़े कर दूँगी, मसल लूँगी। और देखिए तेल पूरा कड़छी में कैसे आ गया है। इसके बाद फिर मैं ये आलू डालूँगी। तो कुछ नीचे नीचे आलू बड़े बड़े हो गए थे, रह गए थे, तो उनको भी मैं 2 से 3 टुकड़े कर लूँगी इस तरीके से हाथों से। अब मैं ये आलू को मसाले के साथ अच्छे से भून लूँगी, मिक्स कर लूँगी पूरा, थोड़ी देर इस तरीके से भून लूँगी मसाले के साथ। फिर उसके बाद उसमें मैं पानी डालूँगी। दबा दबा के थोड़ा सा गाढ़ा घोल जैसा हो जाएगा, मेस हो जाएंगे टमाटर। तो
इसके बाद इसे उबलने देंगे। सब्जी तैयार है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप मेरे साथ यूं ही बने रहना, अपना सपोर्ट देते रहना। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।